लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर के कांटी रतनपुरा से, जहां रतनपुरा विद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक पंकज कुमार द्वारा कक्षा 3 के बच्चे दिव्यांशु के साथ उसके परिवार के साथ भी खराब आचरण किया और TC देकर विद्यालय से बाहर निकाला गया। बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय का प्रत्येक दिन नया मामला सामने आता रहता है। पूरे देश में बिहार की शिक्षा व्यवस्था शर्मसार होती नजर आ रही है। यह नया मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी का है, जहां के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार एवं सहायक शिक्षक पंकज कुमार द्वारा अपने विद्यालय में पढ़ने वाले 8 वर्ष के बच्चे जो कक्षा 3 में पढ़ता था, उसकी छोटी सी गलती पर उसको विद्यालय से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक पंकज कुमार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विद्यालय में काम करने वाले रसोइयों के हाथों कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र दिव्यांशु प्रणव और उसके परिवार का आचरण खराब करने 9 जुलाई को TC देकर स्कूल से उसके परिवार के साथ बच्चे के साथ भी आचरण खराब करके TC देकर बाहर निकाल दिया गया। जब छात्र के परिवार के लोग विद्यालय पहुंचकर मामले की जानने की कोशिश की, पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए, तब मास्टर साहब को अपने सरकारी नौकरी और पद और रुतबे का ऐसा हनक था कि बात शुरुआत करते ही छात्र के नानी और मामा के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हुआ है और गाली गलौज करने लगे। जब उतने से उनका काम नहीं हुआ तो छात्र के मामा बलराम पर बेल्ट निकाल कर हमला कर दिया। सारी घटनाओं का छात्र के परिजन द्वारा लिखित शिकायत कांटी थाना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से की गई। मामले की जानकारी मिलने पर बात करने के लिए आजीवा नेता अन्य राज ग्रामीणों के साथ रतनपुरा के विद्यालय पहुंचे, जहां का नज़ारा देख सभी लोग अचंभित रह गए। आए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इजालम, जिला ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरपुर, बिहार। हम वो बच्चे का मामा है जो शुक्रवार के उसका पैर उड़ कट गया था, तो टीचर ने ना घर पे इंफॉर्मेशन भेजवाया ना ही उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो किसी बच्चे के माध्यम से उसके नानी तक गया कि आपके बच्चे के पैर कट गया है, तो बच्चा का जात था, वो पैर खून बंद नहीं हो रहा था, तो वो कल चला के पैर धो रहा था। तब तक मम्मी गई और उसके बाद उसको लाया, तो टीचर ने बुलाकर उसको रसोईया के हाथ से वो रुई और डिटॉल दिया, तो वो रसोईया भी घिना रही थी उसके ब्लड देखकर, तो उसके नानी को अच्छा नहीं लगा कि बच्चा है, तो उसने उस बच्चे को लिया है अपने घर पे। उसके बाद बगल के एक भैया हैं, तो उनसे कॉल कराया डॉक्टर को, तो डॉक्टर आया, ट्रीटमेंट किया और मतलब कि इंजेक्शन दिया। तो हम क्लास करके गए 3 बजे, तो देखे कि पट्टी उठी। प्रशासन TC क्यों दिया? हाँ, TC वही कारण है। तो वो हुआ, उसके बाद उसका पैर कट गया, तो शनिवार को स्कूल नहीं गया, तो स्कूल बंद होने के समय वो रसोईया के हाथ से ये TC घर पे भिजवा दिया गया। फिर उसके बाद हम गए तो देखे कि भाई TC क्यों भिजवाया, तो स्कूल बंद हो चुका था। तो हम सोचे कि अगर ये TC हो जाता है, अगर हम अकेले जाते हैं, सोमवार को स्कूल खुलेगा, अगर बात करते हैं तो कुछ नहीं हो जा। तो हमने वो ग्रुप के माध्यम से अपने मुखिया को सबको सूचना दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर उसके बाद मुझे रिमूव कर दिया गया ग्रुप से। TC लेकर स्कूल गए थे? नहीं, स्कूल नहीं गए थे, स्कूल तो आज खुला है। तो स्कूल आज गए हैं तो क्या बोला? आज गए हैं तो मतलब पहले संडे को बात हुआ, मीटिंग हुआ कि मतलब कि ये सब कर दीजिए, से TC वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। हम बोले कि ठीक है, वो रिटर्न कर देंगे, लेकिन बात में बोल रहे हैं क्या, हम प्रिंसिपल है, हम सिग्नेचर किए मनीष को। हम बोले कि प्रिंसिपल से सिग्नेचर, प्रिंसिपल से बात करेंगे, हम शिक्षक से क्यों बात करेंगे, क्लास टीचर से। तो बोले कि नहीं, हम प्रिंसिपल हैं, हम सिग्नेचर किए मनीष कुमार, हम ज़्यादा बोलेगा, मतलब अभद्र साहब गाली उली देने लगे। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर वही थी, वही शिक्षक पंकज कुमार, तो गाली देने लगे और मेरे ऊपर बेल्ट उल्टे निकाल के मारने लगे और अभद्र शब्द कर गाली उली देने लगे। फिर उसके बाद मेरा हाथ ऐंठ दिए, फिर फोन छीलने लगे। तो मेरे पास ये वॉयस रिकॉर्ड भी है उनका बद। और उसके बाद आज जब गए हैं तो ये ताला उला मार दिए, अंदर प्रवेश नहीं करने दिए, बोले कि पहले जाओ, हाँ जो करना है तुमको करो, जिसको फड़ियाना है हमसे फड़ियाओ। नाम क्या? बलराम कुमार। वो मेरा भगिना हुआ दीपांशु प्रणव, घर रतनपुरा। देखिए, दीपांशु प्रणव ये 7 साल का बच्चा है और इसको है रतनपुरा हाई स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल जो अभी तत्काल में पदस्थापित हुए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के तथाकथित भी जो प्रिंसिपल है, जो ग्रामीण शिक्षक हैं, और इतना उस विद्यालय में 5-7 सालों से उस विद्यालय को मकर जाल बना दिए हैं, लगातार ग्रामीण, सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा लगातार हर बार उस विद्यालय का शिकायत किया जाता है। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी परेशान है, सारे लोग, लेकिन वहाँ का जो जिसको शिक्षा बांटना है वो विद्यालय को शिक्षा नहीं बाँट रहे हैं। वहाँ पर नियम और अंग्रेजी हुकूमत चला रहे हैं। और एक घटना घटा है, मेरे हाथ में TC है और मेरे साथ
उनके परिजन भी उपस्थित हैं, उस टीसी में उस 7 साल के बच्चों का जो तीसरा क्लास में पढ़ता था उसका आचरण खराब करने का खिचड़ी बनाने वाली के हाथों से भेजवा दिए और उस टीसी पर उसके माँ का और पिता का भी आचरण खराब, अभिभावक का भी आचरण खराब लिख कर और टीसी वापस कर दिए और लगातार धमकी दे रहे हैं कि कोई अभद्र शब्द का प्रयोग करके और विद्यालय के गेट पर 2 बड़ा-बड़ा ताला लगा दिए हैं, जबकि न विभाग का न डीएम का आदेश है, न जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है, न नगर कार्यालय का आदेश है, न बीडीओ का आदेश है, किसी का ऐसा कोई विभागीय आदेश नहीं है हमारे पास। और हम लोग जब गेट पर गए हैं तो गेट पर 2-2 ताला लगे हुए हैं, हम लोग को अंदर प्रवेश नहीं होने दिए और कहते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि अलाउ नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हुकूमत ये चला रहे हैं। ये पंकज कुमार मास्टर ग्रामीण शिक्षक है। अब पंकज कुमार का आज हम खुद से, हमको शिकायत लगातार मिलता था 5 वर्षों से, लेकिन आज जो हम अपने आंखों से देखा है इससे हमको ये प्रतीत होता है कि वो मास्टर निश्चित तौर पर शिक्षा के इस जो व्यवस्था है उसको वहाँ पे मकर जाल बना दिए हुए हैं और वो अपना ग्रामीण शिक्षक होने के नाते ग्रामीणों पर हुकूमत चलाते हैं, ग्रामीणों को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, ग्रामीण के जो अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पूछने जाते हैं उस पर बेल्ट चलाते हैं, उस पर उसको बेइज्जत करके आवासीय से धकेल देते हैं, अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो हम आपके माध्यम से और आवेदन हम अपने संगठन के तरफ से भी अभी दिया है और परिजनों की तरफ से भी दिलवा रहे हैं और हम साफ साफ कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से उस विद्यालय के ग्रामीण शिक्षक को तबादला करें कि 4 साल 5 साल से विद्यालय को मतलब बखारा बना दिए हैं, अखाड़ा बना दिए हैं, पढ़ाई नहीं होती है, केवल लूट होता है, चाहे किसी प्रकार की योजना का पैसा हो बच्चों को नहीं मिलता है और केवल लूट हो रहा है और स्थानीय प्रशासन उस लूट को नज़रबंद करके देख रहा है। तो ये नज़रबंदी का खेल अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और विद इन 15 दिन के अंदर में सारा सिस्टम को सुधार लिया जाए, नहीं तो नगर परिषद में जो ये खेल चल रहा है और नगर परिषद जो प्रखंड से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की व्यवस्था नहीं सुदूर हो रही है तो ग्रामीण इलाकों का ये कांटी विधानसभा में क्या हो सकता है। आप लोग